किसको फोन कर रहे हैं? किसको फोन कर रहे हैं? हेलो, पापा को फोन किया? हेलो, पापा को फोन हो रहा है जी। आप सारे खैरियत होंगे, जहाँ खुश होंगे तो एक नए व्लॉग के साथ हाजिर। हाँ बता दिया, अभी शाम का टाइम होने वाला है और अभी हम बगैर नहाए धोए बैठे हैं क्योंकि वीकेंड था। खबरी की बात भी है कि शवेज की मामा को मिला है बोनस, मामा को बोनस मिला। आज हम उनसे पार्टी लेनी है, तो उनसे पार्टी लेनी मतलब खाना चाना खाने जाना है, तो नहाते धोते हैं और फिर चलते हैं। हमें तो पौड़ी हो रही है, तो आज हमारी पौड़ी होने वाली है, तो हम चलते हैं और जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं और फिर निकलते हैं पौड़ी के लिए। आज का व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है, व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, शुक्रिया। तो चले चलते हैं पौड़ी के लिए। तो अभी हम एक मार्केट पहुंचे हैं, यहाँ पे खाने वगैरह की काफी ज्यादा शॉप्स हैं, होटल्स भी हैं। तो ये हमारे सामने अभी है जी सुल्तान शर्मा, जिमी फोर्ड्स, पोक एंड नोक और साथ में जाकिर टिक्का है। यहाँ से ट्राई करते हैं कुछ खाने को, अच्छा मिलता है तो यहाँ से खाते हैं, नहीं तो फिर कहीं और चलते हैं और ट्राई करते हैं और कुछ नया खाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। वैसे ये वाला जो है ये हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, मेरा ख्याल में कहीं हमें नई जगह जाना चाहिए और कुछ नया ट्राई करना चाहिए। चले ढूंढते हैं और ट्राई करते हैं, जहाँ अच्छा लगा वहाँ पे बैठेंगे, जरा माहौल अच्छा हो क्योंकि काफी दिनों के बाद हम निकले हैं और घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे थोड़ा बंदा एंजॉय करे और माहौल अच्छा हो। आप ऊपर आने के लिए भी एक देखो टॉप से ये मनाने जीता है। हम लोग पहुंचे हैं जी चस्सी टिक्का पे और उसकी टॉप रूप पे पहुंचे। हमने कहा यहाँ पे मॉल चौल होगा और यहाँ पे कोई मॉल चौल नहीं है, बिल्कुल ऐसे वराना सा बनाया हुआ, लेकिन यहाँ से टॉप भी नज़र आ रहा है, सामने रोड चल रही है और यहाँ पे ये टॉप पे ऐसे मुराल वाली थोड़ी सी कॉपी की है इन लोगों ने। वैसे यहाँ का व्यू ज़बरदस्त है, सामने से रोड चल रही है और पीछे वो चौक है और लाइटों वगैरह जो है और रौनक काफ़ी अच्छी लगी हुई है, लेकिन ये कि यहाँ पे है गर्मी और ऊपर बैठ के खाना खाना वो ज़रा मुश्किल है, तो हमने प्लान पर ये बनाया कि चले नीचे चलते हैं और एसी में बैठ के खाते हैं, गर्मी में खाने का मज़ा भी नहीं आता, नीचे चलते हैं और हाल में बैठ के थोड़ा खाना खाता। वैसे इन्होंने थोड़ा सा कॉपी किया वो मुनाल वाला सीन बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा टॉप पे रूट टॉप रूट पर बनाया प्लान, लेकिन ये है कि कोई लुक अच्छी नहीं है। जहाँ ये आपको प्ले ग्राउंड मिल गया, ये ठीक है। वैसे अभी ऑर्डर तलाश कर रहा है, कौन सा ऑर्डर देना है, कौन सा देना है ऑर्डर आपने, क्या मंगवाना है? वो देखो बड़े गौर से देख रहा है कि जैसे सारा खाना इसी में ऑर्डर कर बहुत हो गया, चलिए सब पता चल गया आपका, दे दे मुझे मैं बता दूँ क्या लेना, बता दे मुझे काम में बता दे मुझे। अच्छा वो देख लेते, नहीं नहीं खाना नहीं। हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे माशाल्लाह माहौल अच्छा है, एसी वगैरह चल रहा है और ठंड है, ऊपर भाई बहुत गर्मी थी। ऑर्डर करते हैं और फिर खाना जो है वो करते हैं, पहले तो शवेद ने पकड़ लिया कि मैंने ऑर्डर करना, चौधरी साहब बन के बैठेंगे। मामा को बता दो क्या लेना। हाँ जी क्या ऑर्डर करें? वो कहते चले चले अपना काम करे, मैं मुझे अपना काम करने, दीवार के साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, ये माशाल्लाह। हाफ होगी एक चर्सी चिकन कढ़ाई, हाफ होगी और एक ये रेशमी कबाब। ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया और शबीर ने हाल क्या कर दिया, हमारे दस्तरखान को ना इसने चिड़ियाघर बना दिया हुआ है, ये हमारा चिड़ियाघर वाला पिज्जा।
ठीक है सीट पे वो सही बैठता उधर वो उसको ग्राउंड मिल जाता है इधर उधर बात करवा ये गुस्सा कर ये इसका हाल चेक कर ये वो देख ये ले ये नाना आ गया अपन नाना आ गया ये ले ये हमारा खाना आ चुका है ये चिकन कढ़ाई है ये कबाब ये सब्जी है और साथ में नान है और ये रायता और ये सब खाना एंजॉय करते हैं और इधर ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं गुस्से में बैठे हैं कि मुझे सारा कुछ दे दिया नान दे दिया शिवेश को नान दिया वो नान के साथ ही अपनी लड़ाई चढ़ाई जो है ना वो नान के साथ कर रहे हैं खाना वैसे ही मुझे तो ये नान मज़े के लगे हैं और ये जो कबाब है ना ये बड़े मज़े के लग रहे हैं तो लेट्स ट्राई एंजॉय ये चावलों के साथ ये कबाब आ जाएगा ये मज़े का ये खाना छाना खाते हैं एंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं खाने के बाद और इधर शवेर ने अपनी प्लेट मांग रखी थी ना नहीं बस और कुछ नहीं मिला और ये अभी तक बैठा हुआ लगा हुआ आपका नहीं पेटू भरा शवेर आपने सिर्फ नान पे कोई इसने मुंह भरा हुआ नान से निकालो 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 ये देखो कितना लेके बैठा हुआ तभी तो वो चुप करके बैठा हुआ तभी मैं कहूं कि तंग क्यों नहीं किया इसने तो खाना फिनिश हो गया सब कुछ खा पी लिया है और कुछ हम लोगों ने पैक भी करवा लिया है जर्सी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो अभी घर चलते हैं बाकी का एक्सपीरियंस घर में जाकर बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा चलेंगे घर चलते हैं और बाकी का एक्सपीरियंस घर में जाकर शेयर